हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ एक थ्योरम जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, तो या फिर ट्रांसफॉर्म, जो भी आप बोलना चाहें। इस थ्योरम के प्रूफ मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है और समझाया है इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। और आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। तो थ्योरम क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलेस थ्योरम, उसको हम पहले देख लेते हैं फिर बाद में प्रूफ करते हैं। थ्योरम कहती है इफ़ एफ टी आपके पास कोई फंक्शन है, इफ़ एफ टी इज़ अ फंक्शन ऑफ विच इज़ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ टी है जो कि पीस वाइज कंटिन्यूस है ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल इन द रेंज, जो आपकी रेंज है वो जीरो या जीरो से बड़ी है टी के लिए, और देखिए इंटरवल आपका फाइनाइट होना चाहिए, एंड सेटिस्फाइड। और क्या सेटिस्फाइड करता है कि जो फंक्शन एफ टी है उसका जो मॉड है वो हमेशा छोटा या फिर इक्वल है एम ई अल्फा टी से, ई ए टी से सॉरी, फॉर ऑल, जो टी हो रही है यहाँ पर जो टी लिया जा रहा है वो जीरो या जीरो से बड़ी है, एंड फॉर सम कॉन्स्टेंट ए, ठीक है, एंड एम जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पर है इन्वॉल्व हो रहे हैं ए और एम, ठीक है। देन द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल, जो पी यहाँ पर आएगा फॉर ऑल पी ग्रेटर देन ए, हमें ये बोलना है कि वो एग्जिस्ट करेगा सभी पी के लिए जब उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट ए से बड़ी होगी। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो ये तो बात रही थ्योरम के स्टेटमेंट की, तो ये जो जो चीज़ हमें दे रखी है उसी के अनुरूप हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है जो कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए बात शुरू करते हैं थ्योरम की प्रूफ की। वी नो बाई लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या जानते हैं हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हम दर्शाते हैं एल एफ टी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एफ टी से दर्शाते हैं ना लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को, और वो क्या होता है, वो होता है जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी डी एफ टी डी टी, ये चीज़ होती है हम तो जानते हैं। तो देखिए ये जीरो से इनफाइनाइट है, मैं इस इंटीग्रल को तोड़ के लिखना चाहता हूँ, तोड़ के लिखना आपको आता ही है। मैंने यहाँ पर किया कि जीरो से टी जीरो ले लिया ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और जहाँ लिमिट ख़त्म हुई वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया है ना, टी जीरो से अल्फा की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो देखिए इस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल को मैंने तोड़ दिया है, और जब मैंने तोड़ा भी है इस इनफाइनाइट रीजन को, मैंने तोड़ के लिखा है इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। तो देखिए ये वाला जो इंटीग्रल है जीरो टू टी जीरो ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये एक प्रॉपर इंटीग्रल है बिकॉज इसमें इनफाइनाइट इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो एग्जिस्ट है, ये क्लियरली एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन दूसरा जो इंटीग्रल है यहाँ पर टी जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी एफ टी डी टी, ये आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है बिकॉज यहाँ पर लिमिट टी जीरो यहाँ पर लिमिट इनफाइनाइट हो रहा है, और जब कभी भी दोनों लिमिट में से कोई अगर एक लिमिट भी अगर इनफाइनाइट होती है तो वो केस बन जाता है इम्प्रॉपर का। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, द इंटीग्रल जीरो से टी जीरो ए की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी एग्जिस्ट सिंस एफ टी इज़ अ पीस वाइज कंटिन्यूस ऑन एवरी फाइनाइट इंटरवल। जीरो जो ये जो टी की वैल्यू है वो टी जीरो या टी जीरो से छोटी है और जीरो या जीरो से बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन तो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी बात हो गई। अब हमें बस इस फंक्शन की बात करनी है, तो चलिए वो देखते हैं वो हम आप कैसे करेंगे। हमें एग्जिस्टेंस थ्योरम प्रूफ करनी है तो इसको एग्जिस्ट करके दिखाना पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस थ्योरम के लिए अब क्या कहते हैं, हमने ले लिया है दूसरे वाले इंटीग्रल को टी जीरो से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, ये लिया भी है, और साथ ही साथ मैंने दोनों यहाँ पर क्या ले लिया है, मॉड भी ले लिया है। देखिए मॉड जब लिया है यहाँ पर मैंने इक्वल नहीं, इक्वल से मैंने हटा दिया है बिकॉज जब देखिए इंटीग्रेशन अंदर था, इंटीग्रेटर अंदर से क्या आ गया, देखिए बाहर आ गया टी जीरो से इन्फाइनाइट, और मॉड इंटीग्रेशन के अंदर है मॉड ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, और फिर मैंने मॉड बंद कर दिया। फिर वही चीज यहाँ पर देखिए, जब आप इस मॉड को हटाएंगे और हमारे थ्योरम में क्या दे रखा है कि जो एफ टी है एफ टी डी टी का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल किसके हैं, एम ई ए टी के हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए एफ टी जो डी टी है इसके प्लेस पे मैंने क्या रख दिया है, एम ई ए टी, बिकॉज ये थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है,
इसी वजह से यहाँ पर साइन आ गया है ये वाला, और टी जीरो से इन्फाइनाइट इक्की पावर माइनस पी टी एम ई ए टी डी टी। ओके यहाँ देखिए इक्की पावर माइनस पी टी और यहाँ है इक्की पावर ए टी, तो यहाँ से गुणा में घाते जुड़ती हैं, यानी कि दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने के बाद देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, इधर भी टी है और यहाँ पर भी टी है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, दोनों में से टी मैंने कॉमन ले लिया है तो अंदर आ जाएगा, एक्चुअली माइनस टी कॉमन लिया तो अंदर आ जाएगा पी माइनस ए और यहाँ पर एम डी टी। एम क्या है, कॉन्स्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि एम बाहर आ जाएगा और मैं टी जीरो से इन्फाइनाइट इक्की पावर माइनस पी माइनस ए टी का क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो आपको पता है इक्की पावर माइनस एक्स का इक्की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी इक्की पावर एक्स ही होता है, तो इक्की पावर माइनस पी ए टी का इंटीग्रेशन यही हुआ। और इसका जो कोफिशियंट क्या है वो है माइनस पी माइनस ए, वो नीचे आ जाएगा। ओके और लिमिट आ जाएगी टी जीरो से इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखिए, ये तो एम कॉन्स्टेंट है, ये भी आपका कॉन्स्टेंट है, तो मैंने दोनों बाहर ले लिए हैं। तो एम पी माइनस ए ये कहाँ से आया, ये तब आएगा आपको जब आप यहाँ पर टी के जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आपको ये ध्यान रखना है कि पावर माइनस इन्फिनिटी किसकी इक्वल होती है, जीरो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जीरो माइनस वन, मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको बाहर मिलेगा एम माइनस पी माइनस ए और आपके अंदर आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ई की पावर जीरो आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आ जाएगा एम माइनस पी माइनस ए और अंदर आ जाएगा जीरो माइनस वन। और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा एम ई की पावर माइनस पी माइनस ए टी जीरो अपॉन पी माइनस ए, सॉरी यहाँ मैंने टी जीरो है ध्यान नहीं दिया था। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी और ये चीज़ तभी होगी प्रत्येक जो पी होगा वो ए से बड़ा होगा, यानी कि हमारे पास क्या मिल गया है, जीरो टू इन्फिनिट इक्की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी का जो मॉड है वो लेस देन या फिर इक्वल किसके हैं, एम इक्की पावर माइनस पी ए टी जीरो अपॉन पी माइनस ए के। और वो कब है, जब प्रत्येक पी जो है वो ए से बड़ा है, यानी कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। फिर क्या लिखेंगे, बट एम इक्की पावर माइनस पी माइनस ए टी जीरो अपॉन पी माइनस ए, इस चीज़ की बात हो रही है, कैन बी मेड एज ए स्मॉल एज वी प्लीज बाई टेकिंग टी जीरो सफिशेंटली लार्ज। जैसे जैसे हम टी जीरो को लार्ज नंबर रखते जाएंगे ना, बड़ा बड़ा वैल्यूज रखते जाएंगे, वैसे वैसे ये वैल्यूज छोटे हो छोटे छोटा होता जाएगा, क्योंकि टी जीरो जितनी बड़ी होगी वैसे इसकी उसी के अनुरूप इस पूरे फंक्शन की वैल्यूज घटती जाएगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा था उससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा टोटल फंक्शन है ना, जो टोटल फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो एग्जिस्ट कर जाएगी फॉर ऑल पी ग्रेटर एंड इक्वल एक, सॉरी ग्रेटर ए के लिए। तो ये तो बात रही एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है इस थ्योरम को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे आपका सपोर्ट यूँ ही मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। We'll be right back.